सर क्या कहेंगे बकरीद की तैयारी महानगर पालिका की तरफ से क्या होगी? सबसे पहले आपको मैं एक बताऊं कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बकरीद का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग त्यौहार है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग होती है और ये बड़ा शहर है तो ये बड़ी व्याप्ति में काम होता है। लेकिन हमने जो तैयारी की है उसकी जो तारीफ है वो माननीय कलेक्टर साहब ने खुद की है, और यहाँ के डीसीपी पुलिस उन्होंने भी ये सब तैयारी का जायजा लिया, वो भी उन्होंने समाधान उसके लिए दिखाया है। तो आपको मैं थोड़े शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस बार हमने प्रभाग 1 से 5 में जो है वहाँ 56 स्लॉटरिंग सेंटर की तैयारी की है। 56, लास्ट टाइम 39 था, हम इस बार 56 किया है। ये पब्लिक डिमांड के कारण किया है, और हमारे सभी कर्मचारी 819 कर्मचारी हमने सिर्फ इसी काम के लिए मुकर्र किए हैं। वो 3 दिन काम करते रहेंगे, शिफ्ट में काम करते रहेंगे। उसके बाद हमने जो जो तैयारी की है जो डंपर और इसकी, ये आपको मैं संख्या शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके लिए जो स्लॉटर हाउस है वहां अपने पास एक पोकलेन मशीन रहेगा, 2 यूनिट जेसीबी रहेंगे। ये 10 दिन के लिए प्रतिदिन 100 मजदूर लगा के हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जो कचरा जो है या अपशिष्ट है उसका जो भी विल्लेवाट लगाना है उसके लिए खासगी डंपर जो है 122, उसके बाद 11 टेम्पो, 9 जीप, और तीसरे दिन के लिए 30 डंपर, मनपा के 10 पानी के टैंकर और 2 जेटिंग मशीन, इतना हमने सब काम किया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के लिए हम स्पेशली 2 घंटा गाड़ी और 10 मजदूर की व्यवस्था की है, ताकि रास्ते में कहीं भी कोई भी अपशिष्ट उनको मिले तो तुरंत नियंत्रण कक्ष से हमको खबर आ जाए, और ये खबर आने के बाद वहीं के वहीं वो उठाने की व्यवस्था हो जाए। आपको ये मैं बता दूं कि ये सब जो उठाने का काम है और ये कैरी करने का काम है और स्लॉटर हाउस की जगह पे लगाने का काम है, ये सब पूरा है, ये बंदिश वातावरण में हो जाएगा। इसके लिए जितने ताड़पत्री, जितने प्लास्टिक बारदान, उसकी पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। उसके बाद और एक चीज ऐसी है कि हमने 120 डॉक्टरों की मांग की है प्रशासन से, बाहर से जो हमने हमारे पास आने वाले हैं, और ये डॉक्टर हर एक पशु की वैद्य की तपासनी करेंगे, वैद्य की चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही उसको स्लॉटरिंग के लिए सर्टिफाई करेंगे। उसके बाद हर एक स्लॉटरिंग होने वाले एनिमल का ई टैगिंग करना अनिवार्य है इस बार से, और उसका हम ऑनलाइन डेटा भरेंगे, वो पूरे भारत देश का डेटा उसमें जमा होने वाला है। ये भी है, इस बार नई चीज हमारे लिए है। ये सब होने के बाद मैं आपको सिर्फ इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे जो भिवंडी निजामपुर शहर के नागरिक जो है बहुत अच्छे लोग हैं, और हिंदू और मुस्लिम का बहुत अच्छा सलूक है, एक दूसरे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सभी नागरिकों का मेरा आह्वान रहेगा कि आपका जो स्लॉटरिंग होता है वो स्लॉटरिंग आपको जो जगह दिया है वहीं पे करिए, वहां हमारे सफाई कर्मचारी, डंपर और जो भी गाड़ियां पर्याप्त तो आप मात्रा में उपस्थित रहेंगी। आप यहाँ वहां स्लॉटरिंग कोई जगह छोड़ के मत कीजिए, ये स्लॉटरिंग की जगह पे हमारी पूरी व्यवस्था है। आपको सिर्फ इतना ही काम है कि आप स्लॉटरिंग करने के बाद जो अपशिष्ट रहेगा वो हमारे सफाई कर्मचारी के हाथ में आपको सौंपने का है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी शुरू होगी। उसके लिए भी अगर आपको गनी बैग्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम जरूर जैसी जरूरत पड़ी वैसे दे देंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप अपशिष्ट वहां यहाँ ना फेंके और स्लॉटरिंग उसी जगह पे कीजिए जो हमने साइट स्लॉटरिंग के लिए साइट निश्चित की है। अगर ये हो गया तो पूरे शहर का कचरा जल्दी से जल्दी साफ होएगा, और हमारे पूरे शहर में जो दुर्गंधी फैलती है या बाद में कंप्लेंट्स आती है वो कम से कम हो जाए या ना हो जाए, ये हमारे प्रशासन की बहुत सारी ये व्यवस्था करने के लिए इच्छा है। लेकिन इसके लिए अगर नागरिक ने सहकार किया तो हम ये पूरे कार्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको सभी को आह्वान करता हूँ, भिवंडी निजामपुर शहर के नागरिकों को, कि आपका स्लॉटरिंग होने के बाद उसी जगह पे स्लॉटरिंग कीजिए, और वो स्लॉटरिंग होने के बाद जो अपशिष्ट है वो कृपा करके हमारे सफाई कर्मचारी तक पहुंचाने का आपका काम रहेगा, उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद सर। सर सफाई कर्मचारी का ऑब्जेक्शन आता है कि हम लोग मतलब हर जगह नहीं उठाएंगे, ऐसी चर्चा है शहर के अंदर। जी, उनकी बात भी सही है, क्योंकि अगर आप कहीं भी स्लॉटरिंग करेंगे और कहीं भी जगह पे फेंक देंगे तो उनको भी दिक्कत आती है, वो भी इंसान है, तो ये समझ के आपको चलो। इसलिए तो हमने इस बार स्लॉटरिंग की संख्या बढ़ाई है, तो 56 पॉइंट्स दिए हमने, और वहां हमारी घंटा गाड़ी, हमारे सफाई कर्मचारी, बारदान और गनी बैग, ये सब पर्याप्त मात्रा में वहां उपस्थित रहेंगे। तो आपको वहीं पे स्लॉटरिंग करनी है और उनके पास वो अपशिष्ट देना है, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी, ना सफाई कर्मचारी को तकलीफ होगा ना जनता को तकलीफ होगा। सर पूरे महानगर पालिका ने 3 दिनों के काम के लिए कितना बजट निकाला? ये टोटल बजट जो है 1,25,50,000 तक बजट हमारा आया है। इतना खर्चा हम सिर्फ ये त्यौहार के लिए कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि नागरिक को बिल्कुल असुविधा न हो। और एक बात बताना चाहता हूँ कि स्लॉटरिंग होने के बाद वो सभी साइट पे और पूरे शहर में जहाँ जहाँ ये सब मूवमेंट होने वाला है वहाँ पूरा डिसइन्फेक्टेंट फैलाने का हमने पूरी रेडीमेड सब तैयारी करके रखी है, जिसमें जंतुनाशक पाउडर है, फिनोलिन सुपर फोर्टे है, जर्मिनिल है, काले रंग का फिनेल है, ये सब हम करेंगे। एक भी नागरिक की एक भी कंप्लेंट नहीं आए, और कंप्लेंट आए तो उसको इमीडिएट हम उसको अटेंड करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। थैंक्स।